नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एगॉन गेमिंग में। तो GTA 5 के लास्ट वाले एपिसोड में जो है हम गए हुए थे फ्रैंकलिन के घर पे, क्योंकि फ्रैंकलिन अपने घर पे काफी सारे दिनों से नहीं गया होता है, इसी वजह से हम जाते हैं फ्रैंकलिन के घर पे और वहां पे हमें मिल जाता है लामार की आंटी और लामार, और लामार के साथ ही साथ वहां पे जो ट्रेवर है वो भी वहां पे आ जाता है और फिर थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद जो है लामार हमें लेकर जाता है अपने एक फ्रेंड के घर पे जो कि लाइक वल्लास गैंग का एरिया होता है, जिसके बारे में अभी बाद में पता चलता है कि वो जो एरिया है वो वल्लास गैंग का है। और वहां पे जो लामार है ना उससे कुछ ड्रग डील करता है अपने फ्रेंड से और फिर वो जो ड्रग डील है वो कैंसिल हो जाती है और वल्लास गैंग के बंदों को यहाँ पे इन्फॉर्म कर देता है कि उसे जो है कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, यानी कि हम लोग उसे परेशान कर रहे हैं। तो वल्लास गैंग वाले जो है हमारे ऊपर जो गोलियां हैं वो यहाँ पे बरसाने लगते हैं, यानी कि गोलियों की यहाँ पे बारिश कर देते हैं। और वहां पे इतने में ही जो पुलिस है वो भी वहां पे आ जाती है और पुलिस जो है हमारे पीछे पड़ जाती है। तो हम जैसे तैसे करके बोट को लेके पानी के थ्रू यहाँ पे भाग लेते हैं और भागने के बाद जो है हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आ जाते हैं हम। और सामने की तरफ जो बोट है ना वहां पर हम आते हैं बोट के थ्रू, और अभी भी वहां पे जो बोट है ना वो वहां पे रखी होगी। और अभी तो यहाँ पे लॉस सेंटोस में बज रहे हैं सुबह के साथ और यहाँ पे इस बारिश को भी अभी हो रहा था, लाइक GTA 3 वाले एपिसोड में भी यहाँ पे स्टार्टिंग में जो बारिश है वो यहाँ पर हो गई थी। पता नहीं आजकल जो मौसम है वो यहाँ पे बारिश का है या फिर नहीं है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर भी जो बारिश है वो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो यहाँ पर तो हम आ गए थे लाइक नीचे की तरफ, तो बोट जो है वो खड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ पे जो बोट है वो तो नहीं खड़ी हुई है। अब उसे बोट तो नहीं कह सकते, वो एक तरीके की लाइक पानी में चलने वाली एक बाइक तरीके की थी। और उसके बाद जो ट्रेवर है ना वो भी हमें यहाँ पर मिल गया था, जो ट्रेवर है वो तो अपने घर पे चला गया होगा या फिर अपने फ्रेंड के घर पे चला गया होगा, और उसका फ्रेंड है ना वो भी यहीं पे लॉस सेंटर्स में रहता है तो वो तो वहीं पे चला गया होगा। और यहाँ पे जो माइकल है ना वो भी अभी अपने फैमिली से नहीं मिला हुआ है, तो अभी अपन चलते हैं माइकल के पास और देखते हैं यहाँ पे जो माइकल है वो अभी क्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो माइकल है यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठा हुआ है और बेचारा यहाँ पे सुबह का टाइम है तो मेरे हिसाब से लाइक ड्रिंक व्रिंक करके आया होगा। और गाड़ी में कौन सा होता है घर के अंदर सोना चाहिए, इतना बड़ा घर है यहाँ पे माइकल का, और इसके माइकल के घर के पीछे कोई बिल्डिंग विल्डिंग टाइप की भी मुझे दिख रही है। तो चलो अभी अपन चलते हैं माइकल के घर के अंदर, इस गाड़ी को तो यहीं पे खड़ा कर देते हैं और अभी माइकल के घर के अंदर चलकर देख लेते हैं कि आखिर में जो अमांडा है, जो जिमी है, जो ट्रेसी है वो यहाँ पे क्या कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से सुबह हो गई है। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे घर पर स्मोकिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है जब से तुम ट्रेवर से मिले हो तब से तुम और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स में पड़ने लगे हो। थैंक यू, तुम जो मुझे इतना सपोर्ट करती हो मेरे इस बुरे वक्त में बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ आ गई, पर उसके बावजूद ट्रेवर ने हमारा पता लगा लिया। मैं उसे संभाल लूंगा। कैसे? मुझे पता नहीं। तुम कुछ भी करो पर उसे मुझसे और मेरे बच्चों से दूर ही रखना, समझ गए माइकल या नहीं? क्या किसी ने योगा कहा? नहीं, मेरे हिसाब से उसने उल्लू कहा, तुम समझे या नहीं? हेलो फेबियन डार्लिंग। नमस्ते अमांडा, तुम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो क्या? यस। ओ हाँ, वो तो होगी ही तैयार, उसको शांति और पीस चाहिए ना। मेरे साथ यहाँ पर एक गोरिल्ला रहता है जिसके सर पे हमेशा गुस्सा चढ़ा रहता है। तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज। नमस्ते, चलो प्रैक्टिस करते हैं। माइकल तुम भी ज्वाइन करो। नहीं प्लीज नहीं, योगा सबके लिए है, चलो चलते हैं माइकल। बढ़िया, तो फैबियन क्या तुम मुझे मेरे वाइफ की तरह शांत कर सकते हो? अगर हाँ तब तो बढ़िया ही हो जाएगा। सबका रास्ता अलग होता है माइकल। सही कहा, तो ये हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाती है? शायद तुम्हें सुधारने के लिए। चलो यहाँ पर सब बढ़िया है, अब हमारे पास सूरज है और बैठने के लिए जगह भी है, चलो बैठते हैं और योगा स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग तड़ासना से करते हैं या माउंटेन पोज से। चलो अब ये करो। Un, deux, trois. तुम्हारा मुंह और स्पाइन सीधी होनी चाहिए, इसे करके देखो अमांडा। Un, deux, trois. बढ़िया माइकल, अब तुम करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फैबियर है ना यहाँ पर ये जो है हमें योगा सिखाने वाला है इस अमांडा के साथ, यानी कि अमांडा भी हमारे साथ जो योगा है वो भी यहाँ पे कर रही है, जो फैबियन है वो भी यहाँ पे हमारे साथ योगा कर रहा है और यहाँ पे अभी हमें सिखा रहा है। तो फटाफट से अभी हमें जो योगा है वो ट्राई करके देखते हैं कि आखिर में थोड़ी बहुत शांति वांति मिलती है या फिर नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो पैर खोल लेते हैं
और फिर उसके बाद यहाँ पे सांस लेते हैं और सांस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, अरे यार यहाँ पे शायद से माइकल के पैर में जो है क्रैम वगैरह आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। ऑल राइट, तो फिर से यहाँ पे जो पैर है वो यहाँ पे खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो सांस है वो यहाँ पे लेते हैं और जो सांस है वो यहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी बाकी का जो पोज है वो यहाँ पे करते हैं, लाइक हाथ तो फैला लिया है, अभी फिर से इनहेल करते हैं और फिर से एक्सहेल कर देते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से ये जो पोज है कंप्लीट हो चुका है। नहीं, यहाँ पे अभी और कुछ भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोड़ा पैर और यहाँ पे ये ली सांस अंदर और ये बाहर छोड़ दी सांस। मतलब ये क्या है मजाक है यार, ऐसा भी कोई करता है? मैं इतना ही कर सकता हूँ। अब हम दूसरी चीज करते हैं जो थोड़ी कठिन है। कभी कभी जब मैं ये पोज करता हूँ तो मुझे बहुत रोना आता है। वाओ, तुम ये फील कर पा रहे हो क्या? यही कि तुम्हारे अंदर के इमोशंस बाहर आना चाह रहे हैं। माइकल तुम भी करो। बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक योगा पोज था वो यहाँ पे कम था कि यहाँ पे दूसरा जो पोज है वो भी यहाँ पे ट्राई करके देखना है। लाइक मुझे तो नहीं लगता मुझसे ये जो पोज है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो पैर है वो तो यहाँ पे खोल लिया है और यहाँ पे फिर से करते हैं इनहेल और फिर से कर देते हैं यहाँ पे एक्सहेल। अभी देखते हैं, लाइक हमें पैर यहाँ पे उठाना पड़ेगा जो कि सबसे ज्यादा टफ काम है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हाथ जो है ऊपर कर लेते हैं और उसके बाद फिर से एक बार इनहेल कर लेते हैं और फिर से यहाँ पे एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे पैर उठाने की बारी है। लाइक पैर तो मोड़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैर है यहाँ पे मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें एक बार इनहेल करना पड़ेगा और फिर से यहाँ पे एक्सहेल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से पैर जो है उठाने की बारी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो पैर है वो यहाँ पे उठाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मुश्किल हो सकता है माइकल के लिए क्योंकि माइकल पहली बार योगा प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइकल ने जो पैर है वो भी उठा लिया है। अभी फिर से कर लेते हैं इनहेल और फिर से कर लेते हैं एक्सहेल। ठीक है, तो ये वाला जो पोज है वो लगभग लगभग हो ही गया है। हाँ सही कहा था, मैं अभी कुछ इमोशन फील कर रहा हूँ। ऐसे ही, तुम लोग डरो मत, मेरे साथ करते रहो। चलो करो अमांडा, स्टार्ट करो। मुझे नहीं लगता कि माइकल ये कर सकता है। वो शायद तुम्हें सरप्राइज कर दे। दूसरा है चतुरंगा, फील करो इसको। बढ़िया कर रही हो तुम अमांडा। माइकल अब तुम करो। ठीक है, तो यहाँ पर एक और पोज इसने दे दिया। लाइक ये ना हमें आज परेशान कर लेगा। और लाइक आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से जो है कौन कौन यहाँ पे जो योगा की डेली प्रैक्टिस करता है सुबह सुबह उठकर। बिल्कुल सच सच बताना जो भी यहाँ पे योगा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नीचे एकदम नील डाउन हो जाते हैं। मुर्गा नहीं बना रहा है, बस यही कसर छूट गई है। बस मुर्गा और बना देता तो और ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तो लेटना पड़ेगा। ऑल राइट, अब पुशअप। अच्छा है कि पुशअप नहीं लगवा रहा है, योगा में कम से कम पुशअप नहीं होती ना, तो लाइक बेटर होता है। तो पुशअप भी अगर माइकल पुशअप लगाते ना तो आप मुझे बताइएगा कि कमेंट में कि माइकल जो है कितने पुशअप लगा लेता आपके हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पे कुछ जिम वगैरह तो जाता नहीं है, योगा वेगा करना नहीं है इसको। दिन भर यहाँ पे सिगरेट फूंकता रहता है या फिर यहाँ पे जो ड्रिंक है वो यहाँ पे करता रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से ये वाला जो पोज है वो भी पूरी तरीके से कम्प्लीट हो ही चुका है। नहीं नहीं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा और बचा है, इसको और यहाँ पे कर लेते हैं। लाइक अभी खड़ा भी होना यार, ये क्या मजाक था। फिर से यहाँ पे इनहेल करो और फिर से यहाँ पे एक्सहेल कर दो। और यहाँ पर खड़े खड़े ना एकदम तमाशा दिख रहे हैं। लाइक मैं कर रहा हूँ तो मेरे साथ ये भी नहीं कर रहा है, ये क्या बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी खड़े हो जाते हैं। फिर से यहाँ पे इनहेल करना पड़ेगा और फिर से एक्सहेल करना पड़ेगा। अभी तो शायद पूरी तरीके से कम्प्लीट हो ही गया है। ऑल राइट, तुमने आज बढ़िया किया माइकल।
हाँ, ये निश्चित है कि तुम्हें बाद में दर्द होगा। हाँ ठीक है, उसकी जो मसल्स है ना वो पूरी ब्लॉक्ड है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमांडा चलो तुम दूसरा योगा स्टार्ट करो। माइकल हमें तुम्हें हेल्प करके अच्छा लगा। क्या कहा तुमने? यही कि मुझे तुम्हारी हेल्प करके अच्छा लगा। थोड़ा पीछे और थोड़ा सा, बस हो गया। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। इसका आंसर योगा है माइकल, पर तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? या यही कि मैं इतना पागल क्यों हूँ? हम लोग निकल रहे हैं और कभी भी वापस नहीं आएंगे। बढ़िया, तुम बिल्कुल अकेले और पागल इंसान हो। भागो तुम यहाँ से, और ये फालतू योगी को भी साथ ले जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइकल ऐसे यहाँ पर गुस्सा आ गया और इसने यहाँ पे फैबियन को मतलब पानी में ढकेलने वाला था, लेकिन बेचारा जो माइकल है यहाँ खुद ही डूब गया। ठीक है, तो अभी जरा मतलब ये जो ट्रेसी है, सॉरी ये जो अमांडा है ना, ये यहाँ पर चली गई है उस फैबियन के साथ। पता नहीं कहाँ चली गई है, इसका कुछ ज्यादा पता नहीं है। शायद से ये फिर से योगा करने चली गई होगी। तो अभी हम सबसे पहले तो अपने जो कपड़े हैं वो यहाँ पे चल के चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना बिल्कुल गंदे हो गए हैं। गंदे क्या हो गए हैं, लाइक गंदे भी तो हैं और यहाँ पे गीले भी हो गए हैं। तो सबसे पहले तो ऊपर चल के इनको यहाँ पे साफ कर लेते हैं। तो फटाफट से चलते हैं हम सीढ़ियों के ऊपर से, और यहाँ पे जो जिमी है लाइक ट्रेसी को देख लेते हैं। ट्रेसी अपने घर में है क्या? लाइक अपने रूम में नहीं है ट्रेसी? शायद वो तो जब से वो हुआ है ना क्या फेम और शेम का जो उसका कॉन्सर्ट हुआ है, उसके बाद तो ये जो ट्रेसी है हमें मिली नहीं है। और यहाँ पे जो जिमी है ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो सबसे पहले जो अपने कपड़े हैं वो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बेडरूम है और ये हमारा रहा वार्डरोब। और लाइक सूट पैंट पहन लेते हैं, लाइक और तो कुछ नहीं मिलने वाला है मेरे साथ। सूट पैंट पहनने की ज़रूरत क्या है, ये तो अभी धूप में जाएंगे तो धूप में ही सूख जाएंगे। तो अभी चलते हैं हम जिमी के रूम में और देखते हैं जिमी यहाँ पे जो है क्या कर रहा है। बढ़िया टीवी है, क्या ये मेरे पैसों से लिया है? हाँ, आपने पुराना वाला तोड़ दिया था ना। ठीक है चलो चलते हैं कहीं घूमने के लिए, मुझे मेरे दोस्त से मिलना है। चलो तो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी मुझे इस घर से बाहर जाना है और अब मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। कमान, अरे नहीं यार। Bullshit. Threatening to molest your online buddies is bullshit. They're not my buddies. ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें ये जो जिमी है ना इसके साथ यहाँ पर नीचे की तरफ चलना है। लाइक यहाँ पर तो लाइक हम बोर हो चुके हैं, तो इस जिमी को लेकर चलते हैं, थोड़ा बहुत खिलाने पिलाने के लिए चलते हैं। और उसी के साथ में हमारे जो कपड़े हैं वो भी यहाँ पे धूप में जो है सूख जाएंगे। थोड़ी देर खड़े रहते हैं और जैसे ये जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे उसके बाद हम जो है गाड़ी में बैठकर चलेंगे। और आपने एक चीज़ नोटिस की, ये जो जिमी है ना, जिमी यहाँ पे एक हेडफोन लगा के लाइक गेम वगैरह खेल रहा था। लाइक आपने कभी देखा है क्या ऐसा हेडफोन? मैंने तो पहली बार देखा हुआ है कि एक कान में लाइक हेडफोन लगा हुआ है और जो दूसरा कान है वो यहाँ पे खाली है। अगर आपने देखा हो तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जरूर उसे बता दीजिएगा। और अभी जो कपड़े हैं मेरे साथ सूख तो गए हैं, लाइक जो पानी वानी है ना वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कपड़ों के ऊपर। तो अभी फटाफट से गाड़ी में बैठकर चलते हैं जिमी के साथ यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिमी है ना वो यहाँ पे बोल रहा है कि इसे जो बर्गर है ना वो यहाँ पर खाना है। तो बर्गर की जो दुकान है वो पता नहीं खुली होगी कि नहीं खुली होगी। अभी तो लाइक 11 बज चुके हैं और 11 तो मेरे हिसाब से 11 बज चुके हैं, तो जो बर्गर की शॉप है ना वो यहाँ पे खुल जानी चाहिए, क्योंकि जो डोमिनोज भी है ना वो भी यहाँ पे खुल जाता है। और मैकडॉनल्ड्स का तो मुझे पता नहीं है, आप मुझे बताइएगा कि अगर आपके पास जो अगर आपके घर के आसपास कोई डोमिनोज का स्टोर होता है तो वो यहाँ पे कितने बजे खुल जाता है। शायद से मैंने रॉन्ग वे ले लिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे से भी एक रास्ता है। अब यहाँ पे हमें रॉन्ग वे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गाड़ी है ना वो यहाँ पे आती जा रही है, हमें इस वाले रास्ते से यहाँ पे चल लेना होगा। और यहाँ से शायद से मुझे एक और टर्न लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर तो अभी मैं रॉन्ग वे पे नहीं हूँ, क्योंकि ये जो है डबल साइडेड रोड है। और यहाँ से एक और टर्न ले लेता हूँ मैं लेफ्ट में, और यहाँ पे जो गाड़ी है ना कैसे चलाते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारे जो ड्राइविंग स्किल्स है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और हम जो है गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से चलाने लगे हैं, पहले से तो बेहतर ही चलाने लगे हैं। बस यहाँ पे ये है कि ठुक ना जाए हमारी गाड़ी। और राइट, तो मेरे हिसाब से जो बर्गर की जो शॉप है ना वो आगे की तरफ है। पता नहीं है जो बर्गर की शॉप है वो लाइक कहाँ वाली है, लाइक बर्गर किंग की है, मैकडॉनल्ड्स की है, या फिर किसी और की है। मेरे हिसाब से कुछ बर्गर शॉट लिखा हुआ है, तो लाइक यहाँ पे कुछ मैकडॉनल्ड्स वगैरह नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ बर्गर शॉट है। तो अभी अभी जो कार है वो यहाँ पे आगे की तरफ खड़ी कर देते हैं यहाँ पे। यो ब्रो कैसे हो? बढ़िया, तुम्हें देख के अच्छा लगा। तुम इस बार इसकी पेमेंट कैसे करने वाले हो? ये वो बुड्ढा आदमी कौन है? वो मेरे डैड हैं। ओ मिस्टर डिसेंटा। हे, तो तुम ही वो हो जो मेरे बेटे को ये सब बेचते हो? जिमी भाई, तुम्हारे डैड तो बहुत एंग्री हैं। जिमी पैसे दे दो और अपन चलते हैं यहाँ से। ओ, तुम्हारे पास कोई दूसरी चीज है? ओ हाँ हाँ। इसका क्या मतलब हुआ जिमी? बस थोड़ी देर रुको।
ओ बढ़िया, ये लो और संभाल के ले जा रहा। चलो चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलते हैं यहाँ से। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो जिमी है इसने पता नहीं अपने फ्रेंड से कुछ ड्रिंक वगैरह ले लिया है। अब पता नहीं, मेरे हिसाब से बोलता रहा था कि इसे लाइक बर्गर वगैरह खाना है। अभी जिमी जो है लाइक एक जूस की बोतल लेके, यानी कि एक शेक की बोतल लेके यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुका है। तो अभी हम चलते हैं फिर से माइकल के घर में, क्योंकि जो माइकल की जो बीवी है ना, यानी कि जो माइकल की वाइफ है, वो तो यहाँ पर छोड़ के जा चुकी है इस माइकल को उस फैबियन के साथ। अब पता नहीं वो कितनी देर में घर पे आएगी, कुछ ज्यादा पता तो है नहीं उसका। तो अभी हम यहाँ पर चलकर देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जो जिमी है ना, ये यहाँ पर अपने टीवी में यहाँ पर क्या खेलने में लगा हुआ था। इसके साथ चलकर ना थोड़ा बहुत गेम वेम खेल लेंगे घर पे जाके, क्योंकि और कुछ तो करने को बचा नहीं है। लाइक पूरा जो घर है वो एकदम खाली है, ट्रेसी भी आजकल वहाँ पे नहीं है। और ये क्या है भाई, इसने क्या पिला दिया मुझे? ठीक है, यहाँ पर इसने शायद से मुझे ड्रिंक पिला दिया, और ड्रिंक में कुछ मिला था मेरे हिसाब से, कुछ वाइन वगैरह थी क्या? ये वाइन वगैरह कब से मिलने लगा है जिमी? और यहाँ पे ठीक से गाड़ी जो है ये भी यहाँ पर नहीं चल रही, टेढ़ी मेढ़ी जो गाड़ी है ये भी यहाँ पर भग रही है। तो मेरे हिसाब से मुझे जल्दी से घर पे पहुंच जाना चाहिए, मतलब इसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था यार। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्न ले लेते हैं और आगे की तरफ से शायद से एक और टर्न ले सकते थे। मुझे गाड़ी साइड में लगानी होगी। उस ड्रिंक में उसने क्या डाला था? उसमें कुछ नहीं था। क्या तुमने मुझे बेहोशी की दवा दी? ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें तुमसे ही बचा रहा हूँ डैडी, और मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए हैं। क्या? और मैं घर से जा रहा हूँ। जिमी बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ पर पता नहीं ये जो जिमी है इसने क्या मिला दिया हमारी ड्रिंक में। और अभी ये कौन लेके जा रहा है भाई? कोई पुलिस पुलिस वाले लेके जा रहे हैं क्या अभी हमें? ये क्या मजाक था? इसने काफी ज्यादा गलत किया। अगली बार जैसे ही मिलता है ना, तो इस जिमी को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और ये किस जगह पर अभी हमें है? और यहाँ पर ये क्या मजाक है भाई? ये मंकी जो है यहाँ कैसे आ गया? वो इतने सारे मंकी, लॉस सैंटोस में कभी मंकी देखे हैं क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखे। क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये? और ऊपर से लाइट जली। ऑल राइट, ये क्या कोई वांडा वांडा आ गई क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये यूएफओ है। तो यूएफओ यहाँ कहाँ से आ गया भाई? एलियन विलियन है क्या ये सारे के सारे? और ये तो एलियन ही लग रहे हैं मुझे। ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? इसे मिलाया क्या था ड्रिंक में यार जिमी ने? इनके दांत तो देखो कितने अजीब से लग रहे हैं। पर भाई ये बॉडी को क्या छू रहे हैं माइकल की? इसकी जो शर्ट है वो भी इन्होंने उतार दिया है। और ये क्या मजाक है भाई? ये क्या चीज है? ये लॉस सैंटोस तो नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज लग रही है मुझे। ये भाई गाना क्यों बजने लगा अब यहाँ पे? ये है क्या चीज? मैं हेलीकॉप्टर से लैंड हो रहा हूँ क्या? पैराशूट भी नहीं है मेरे पास, तो ये क्रैश लैंडिंग होगी। मुझे लॉस सैंटोस ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस ड्रिंक की वजह से मुझे लग रहा है कि जो लाइट्स है ना सारी की सारी, गाड़ी की जो लाइट्स है वो यहाँ पे रेड कलर की जो है मुझे दिखाई देने में लगी हुई है, और नीचे की तरफ जो गाड़ी वाड़ी है वो यहाँ से निकलने में लगी हुई है। बट यहाँ पर तो पूरी तरीके से हो क्या गया है कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। और अभी कहाँ पे क्रैश लैंडिंग होने वाली है? मेरे हिसाब से मुंह तो फूटने वाला है। ठीक है, ये सपना था क्या? ये था क्या भाई? और अभी क्या हो रहा है? ये मुझे तो कुछ समझ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइकल एक पार्क में लेटा हुआ है, यानी कि जो अभी अभी हमने देखा जाए कि यूएफओ से माइकल ऊपर गया, वो सारा का सारा इस माइकल का यहाँ पे सपना था। और यहाँ पर जो हैंगओवर है ना उस चीज का, वो अभी तक मतलब निकला नहीं है दिमाग से। और यहाँ पर तो अभी हमें लाइक माइकल के घर पे निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लाइक खुली शर्ट में घूम रहा है और चट्टी पहना हुआ है यहाँ पर। तो ये ठीक है, ये भाग कैसे रहा है? ये भाग कैसे रहा है माइकल? ये साइकिल को यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि गाड़ी से तो कोई मिलने से रहेगी और गाड़ी कोई देगा भी नहीं। ठीक है, तो अभी जो हैंगओवर है धीमा धीमा शांत हुआ है, यानी कि थोड़ा थोड़ा कम हो चुका है। और अभी इस साइकिल से चलते हैं माइकल के घर पर। माइकल का घर ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भाग क्यों नहीं रही है साइकिल? ये भाग क्यों नहीं रही है साइकिल? इतना धीमी धीमी चलेगी तो मुझे गाड़ी लेने की जरूरत पड़ेगी। रुक जाओ, मैं गाड़ी ले लेता हूँ, ये तो बहुत धीमी धीमी जाएगी। ठीक है, एक गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक, जाकर इधर आए, रुक गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, निकल बाहर, निकल निकल जल्दी से बाहर। इस गाड़ी को ना मैं गैरेज में रख लूँगा, लेकिन सबसे पहले तो जिमी को यहाँ पर सबक सिखाना है। सबसे पहले तो मैं चल कर जिमी से यहाँ पर मिलता हूँ।
लाइक इसने पिलाया क्या था? और तो और वो हमारे बैंक से जो पैसे है वो भी यहाँ पर निकाल लिए हैं शायद। उसने बोल तो रहा था कि हमारे बैंक से यहाँ पर पैसे निकाल लेगा। ठीक है, अरे गेट को भी ऐसा है, उससे पहले इस गाड़ी को तो यहाँ रख देते हैं, अंदर की साइड कुछ है क्या? ठीक है, इसके अंदर एक और गाड़ी खड़ी हुई है तो इसको हम यहीं पर पार्क कर देते हैं। और यहाँ पर जो गाड़ी लेके आया था जिमी, वो तो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहीं चला गया क्या हमारे पैसे वैसे लेकर? अंदर चल के देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो कपड़े हैं वो यहाँ पर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लाइक यहाँ पर भी सब कुछ खाली है। कोई है क्या घर पे? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आगे की तरफ चलकर देख लेते हैं। माइकल, मुझे लगा है अब तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तुम्हारा कुछ टाइम से बर्ताव और तुम्हारे ये नए दोस्त खराब है और इनसे मुझे चिंता होती है। पहले तो तुमने फेबियन पे अटैक किया जो कि मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और फिर तुमने जिमी को ड्रग्स लेने को कहा। हमने डिसाइड किया है कि हम कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं। तुमने मुझे कहा था कि तुम चेंज हो जाओगे, पर तुम अभी तक चेंज नहीं हुए हो। मुझे पता है तुम हमेशा कहते हो कि मैं ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे कि मैं किसी मूवी में हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लॉयर से बात करनी होगी। मैं अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ। प्लीज हमें मिलने की कोशिश मत करना और सुइसाइड मत करना। अमांडा, तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अमांडा है यहाँ पर इस माइकल को यहाँ पर छोड़ के चली गई है। ट्रेसी तो पहले ही चली गई थी फेम और शेम के कॉन्सर्ट के बाद, और जो जिमी है उसको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। जब भी मिलेगा ना उसको तो लाइक उसमें दो तीन तो बजाने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे पता नहीं वो भी यहाँ से निकल चुका है कहीं पर, और हमारी जो गाड़ी है उसको भी लेकर चला गया। बस जो गाड़ी हम पहले लेकर आए हुए थे वो तो यहाँ पर रखी थी ना। अरे भाई वो भी कोई लेकर चला गया क्या? ये गेट में कोई लॉक वॉक नहीं है क्या भाई? क्या नाटक है ये, कैसे खुल जाता है? ऑटोमेटिकली खुल जाता है, कोई भी आ जाएगा गेट खोल देगा गाड़ी ले जाएगा। इसके अंदर जो गाड़ी रखी थी वो उसके अंदर है कि वो भी चली गई है? इसके अंदर तो गाड़ी जो है रखी हुई है। ऑल राइट, तो यहाँ पर जिमी का मैसेज आता है लाइक ये जो है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिमी है यहाँ पर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है मेरे हिसाब से, और इसने हमारे पैसे तो जो है यहाँ पर ले लिए हैं सारे के सारे बैंक से। लाइक $3,000 जो है यहाँ पर उसने हमारे बैंक से ले लिए हैं, और अभी जो है पता नहीं अभी क्या बचा होगा। लाइक अमांडा भी नहीं है, ट्रेसी भी नहीं है, जिमी भी नहीं है यहाँ पे, और बेचारा माइकल इतने बड़े घर में एकदम अकेला। और ये कपड़े क्या पहन के रखे हैं इसने? सबसे पहले तो उसके जो कपड़े हैं ना वो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। लाइक सब लोग घर के बाहर चले गए इस माइकल को छोड़ के, तो यहाँ पर इसने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? ठीक है, तो उसके कपड़े तो सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मेरे हिसाब से जो लास्ट टाइम जो सूट जो है पहन कर आए हुए थे, यानी कि जो लास्ट टाइम हमने जो सूट परचेस किया हुआ था उसको यहाँ पर हम पहन लेते हैं। ये वाला ऑलिव वाला सूट, ये जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा माइकल के ऊपर, लगता भी काफ़ी अच्छा है ना। और माइकल का मजा सूट वूट में ही रहना चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उसे सूट वूट में रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर ये क्या मजाक है? ये तो इसने अमांडा ने सारी की सारी जो फोटोज वगैरह ना वो यहाँ पर छोड़ के लाइक पटक गई है नीचे की तरफ। और यहाँ पर जो ट्रेसी है इसका भी अभी कॉल आना था, इसी तरह बात करके देख लेते हैं। लाइक कट गया, चलो अच्छी बात है, नहीं करेगी तो बात सबसे बेटर ही है। पता नहीं ये कहाँ पर होगी। और इसने लाइक दो फोटो यहाँ पे नीचे जमीन में पटक दिया है, और तो पता नहीं और कुछ पटका है कि नहीं पटका है। और बाहर की तरफ चलकर देख लेते हैं, शायद से और भी जो फोटो वोटो है यहाँ पे पटक दी हो सकती हैं। जिमी के कमरे में भी इसने लाइक वीडियो गेम सारे के सारे लाइक ऐसे फेंक दिया। और टीवी जो है, टीवी तो चलो सही सलामत है क्योंकि हमने उसे लास्ट टाइम जो है पैसे दे दिए थे टीवी को परचेस करने के लिए। और ट्रेसी के कमरे में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लाइक जो ट्रेसी है ना, मुझे लगता है वो हमसे नाराज़ तो नहीं है। अब नाराज़ क्यों ना होगी, क्योंकि हमने उसका जो कॉन्सर्ट है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। और नीचे की तरफ तो यहाँ पर सारी चीज़ें सही सलामत हैं। लाइक अब जो अमांडा है ना, सारा का सारा जो चक्कर है ना वो अमांडा के चक्कर में हो रहा है, और यहाँ पर जो उसका फ्रेंड है फैबियन उसके चक्कर में सब कुछ हो रहा है। अगर वो नहीं होता ना लाइक फैबियन, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले तो अभी हम एक जूस पी लेते हैं क्योंकि काफ़ी जोरों की यहाँ पे भूख तो लगी है, ये कड़वा होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, एकदम मिट्टी सी लगती है ना करेले के जूस को पीने के बाद। तो इस वाले GTA 5 के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जो एपिसोड है वो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ GTA 5 के ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा।